आज की अज्ञात वाणी है 15 दिसंबर 2008। हेडिंग दिया है एक राज्य
एक धर्म लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना के समय स्वयं का परिवर्तन कर विश्व परिवर्तक बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। राज दुलारे माना जो राज्य में भी रहे और दुलार भी पाए। दुलार माने प्यार। और अभी है परमात्मा प्यार, परमात्मा दुलार। और ये परमात्मा प्यार कोटों पुरुषार्थी बच्चों में से कोई कोई को प्राप्त होता है। परमात्मा दुलार में बाप दादा ने हरेक बच्चे को तीन तख्त का मालिक बनाया है। पहला है स्वराज्य अधिकार और स्वराज्य अधिकार का तख्त है भ्रकुटी का तख्त। दूसरा है बाप दादा का दिल तख्त और तीसरा है विश्व के राज्य अधिकार का तख्त। ये तीन तख्त बाप ने अपने स्नेही दुलारे बच्चों को ही दिए है। ये तीनों तख्त सदा स्मृति में रहने से हर एक बच्चे को रूहानी नशा रहता ही रहता है। तो सभी बच्चे बाप द्वारा प्राप्त वर्षे को देख उस खुशी में रहते हैं ना। दिल में स्वतः ये गीत बजता ही रहता है, वाह 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 और वाह मेरा भाग्य वाह। जो स्वप्न में भी नहीं सोचा था वो प्रैक्टिकल जीवन में मिल गया। तख्त के साथ बाप दादा ने संगम पर डबल ताज द्वारा उड़ती कला का अनुभवी भी बनाया है। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों की ये डबल ताजधारी प्योरिटी की रॉयल्टी, डबल ताजधारी की प्योरिटी की रॉयल्टी देख रहे हैं। बाप दादा ने आज चारों ओर के बच्चों के पुरुषार्थ की रफ्तार को चेक किया, क्योंकि समय की रफ्तार को तो आप सभी भी देख रहे हो और जान भी रहे हो। तो बाप दादा देख रहे थे कि जो हरेक बच्चे को बाप द्वारा राजभाग का वर्षा मिला है वो अपने राज्य का फ्यूचर प्राप्ति का, तो फ्यूचर में जो आप सबके संस्कार नेचुरल और नेचुरल होंगे वो अब से बहुत काल के संस्कार अनुभव होने चाहिए, क्योंकि ये नया संसार आप सबके नए संस्कारों द्वारा ही नया संसार बन रहा है। तो जो नए संस्कार संसार की विशेषताएं हैं उस नए संसार की
विशेषताओं को अनुभव तो करते हो ना कि हमारे राज्य में क्या क्या होगा, इस बात का नशा है। दिल कहती है ना कि हमारा राज्य, हमारा नया संसार आया कि आया। तो बाप दादा देख रहे थे नए संसार की जो विशेषताएं हैं, वो बच्चों में पुरुषार्थी जीवन में कहां तक इमर्ज है। तो जानते हो कि नए संस्कार और नया संसार की विशेषताएं क्या होंगी। सभी की बुद्धि में नए संसार की विशेषताएं अनुभव हैं, वो विशेषताएं इमर्ज हो रही हैं। गाते भी हो, जानते भी हो, पहली विशेषता चेक करना और एक एक विशेषता मेरे में कहां तक इमर्ज है वो भी चेक करना। मुख्य विशेषता है नए संसार की कि एक राज्य होगा। तो जैसे वहां एक राज्य स्वतः ही होता है, दूसरा कोई भी राज्य नहीं होता, ऐसे अपने संगम की जीवन में देखो कि आपके जीवन में भी एक राज्य है। एक राज्य होगा तो राजा भी एक ही होगा। कहते हैं ना मेरे दिल का राजा, तो एक राज्य और एक राजा संगमी भी जीवन में अनुभव होता है कि कभी कभी दूसरा राज्य और दूसरा राजा भी अनुभव होता है। अगर चलते चलते सके राज्य के साथ साथ माया का भी राज्य चलता है, तो क्या एक राज्य के संस्कार एक राज्य का संसार होगा। तो देखो, एक राज्य से दूसरा राज्य भी चलता तो नहीं है, अच्छी तरह से देखो। परमात्मा की श्रीमत का राज्य है या कभी कभी मायावियों का भी दबाव आता है। माया के राज्य में तो नहीं चले जाते हो। दिल में माया का राज्य तो नहीं आता है। तो ये चेक करो, इन बातों से अपने चार्ट को चेक करो। अभी संगम पर एक परमात्मा राज्य है या बीच बीच में माया का, मायावियों का भी दबाव हो जाता है और वो अपने शासन में चलाने के लिए मजबूर कर देते हैं। चेक किया? अभी अभी चेक करो, अपना चार्ट तो देखते रहते हो ना। तो अगर अभी तक भी दो राज्य हैं, कभी एक के अंडर में चलना पड़ता है, कभी दूसरे के अंडर में चलना पड़ता है, तो एक राज्य के अधिकारी कैसे बनेंगे।
एक राज्य का अधिकारी बनने के लिए भी लंबे समय का पुरुषार्थ चाहिए। क्या श्रीमत के साथ साथ माया की भी मत मिक्स हो जाती है ना? ऐसे ही देखो कि एक राज्य में एक ही धर्म होगा, धर्म अर्थात धारण। तो आपकी विशेष धारणा कौन सी है? आपकी विशेष धारणा है पवित्रता। तो चेक करो, ये सदा मन के संकल्पों में पवित्रता रहती है। श्रीमत के बरखिलाफ कोई अपवित्र संकल्प तो नहीं आते हैं। सदा मन, सदा वचन, कर्म और संबंध संपर्क में संपूर्ण और सदा की पवित्रता की नेचर नेचुरल बनी है। जैसे वहां अपने राज्य में पवित्रता का ही स्वधर्म स्वतः होगा, ऐसे ही इस समय पवित्रता की धारणा नेचुरल और आपकी नेचर बन गई है, क्योंकि आप जानते हो कि आपका अनादि स्वरूप और आदि स्वरूप पवित्रता का ही है। तो चेक करो, एक धर्म अर्थात हमारी पवित्रता का धर्म नेचुरल है, जो नेचर बन जाती है वो नहाना चाहते हुए भी काम कर लेती है। क्योंकि कई बच्चे जब रूढ़ियान करते हैं तो क्या कहते हैं, बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, कहते हैं मैं चाहता तो नहीं हूँ या चाहती तो नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी मनसा में वाचा में कोई न कोई अपवित्रता का अंश इमर्ज हो जाता है। फिर कारण बताते हैं, बहानेबाजी के लिए कारण भी तो चाहिए। कहते हैं बहुत जन्मों के संस्कार है ना, इसलिए ऐसा हो जाता है। तो एक धर्म का अर्थ है पवित्रता की धारणा नेचर और नेचुरल हो। 15 दिसंबर 2008 की वाणी का दूसरा पेज, चाहे वाणी में भी आवेश आ जाता है। कहते हैं क्रोध नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आवेश आ गया। तो ये आवेश क्या है? ये आवेश भी तो क्रोध का ही बच्चा है। तो एक धर्म के संस्कार कब नेचुरल बनेंगे? तो चेक करो, लेकिन चेकिंग के साथ बाप द्वारा मिली हुई शक्तियों द्वारा चेंज करो। अभी फिर भी बाप दादा पहले से ही अटेंशन खिंचवाए रहे हैं
कि अभी फिर भी चेक करके चेंज करने का तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो अभी भी मार्जिन है। क्यों? क्योंकि अभी लेट तो हुआ है लेकिन टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। उस समय के बाद अचानक ही टू लेट का बोर्ड लगना ही है। फिर नहीं कहना कि बाबा ने तो हमें बताया ही नहीं। इसलिए अभी पुरुषार्थ का समय तो गया लेकिन तीव्र पुरुषार्थ का समय अभी भी है। तो चेक करो लेकिन सिर्फ चेकिंग ही नहीं करना, चेकिंग के साथ साथ चेंज भी करो। कई चेक तो करते हैं लेकिन चेंज करने की शक्ति नहीं है। तो चेकिंग और चेंजिंग दोनों साथ साथ में होना चाहिए क्योंकि आप सबका समान व आप सबकी महिमा क्या है, टाइटल क्या है? आपका टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिमान। तो मास्टर सर्वशक्तिमान टाइटल है या सर्वशक्तिमान? जो कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान है वो हाथ उठाओ। तो मास्टर सर्वशक्तिमानों को मुबारक हो लेकिन मास्टर सर्वशक्तिमान हो और चेंज नहीं कर सके तो फिर उनको क्या कहा जाएगा? अपने ही संसार को नेचर को परिवर्तन करने चाहे और वो नेचर चेंज नहीं हो सके तो उनको क्या कहेंगे? सब शक्तिवान कहेंगे। अपने से पूछो मास्टर सशक्तिवान ने संकल्प किया कि करना ही है और हुआ पड़ा हो, होगा देखेंगे हो जाएगा। तो ये होता नहीं है तो अभी समय के प्रमाण रिजल्ट ये होनी है कि जो सोचा तो संकल्प और स्वरूप साथ साथ बनना हो। अभी नया वर्ष अव्यक्त वर्ष आने वाला ये है। चालीस वर्ष अव्यक्त पालना का हो रहा है तब से। कब से? जब से बाबा ने साकार बाबा ने शरीर छोड़ा तो अव्यक्त पालना और व्यक्त रूप की पालना का 72 वर्ष हो चुका है। क्योंकि 32-33 साल साकार पालने मिली पक्की साकार पालना, अव्यक्त की बात नहीं। तो क्या दोनों बाप की पालना का रिटर्न
बाप दादा को नहीं देंगे? कौन से दोनों बाप हुए? एक तो साकार बाप की पालना के 32-33 वर्ष, कब से कब तक? सन 36 से 68-69 तक, और 68-69 से लेकर के अभी 2008 खत्म होने आया, ये 40 वर्ष अव्यक्त बाप की पालना का। सोचो, ये पालना क्या है और कितनी पालना मिली है? साकार में भी और अव्यक्त में भी। व्यक्त कहा जाता है जो इन आंखों से दिखाई पड़े, और अव्यक्त कहा जाता है जो इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। बाप जो बाप का पार्ट है 40 वर्ष में, अभी अंतिम 40 वर्षों में जो अव्यक्त बाप का पार्ट है, वो पार्ट इन आंखों से नहीं दिखाई देता है। कौन सी आंखों से देख सकते हैं? ज्ञान के तीसरे नेत्र से ही समझा जा सकता है। वो शिव बाप का डायरेक्ट पार्ट है। तो सोचो कि पालना क्या है और प्रैक्टिकल क्या है। बाप दादा ने देखा अभी भी अलबेलापन और राय लालस्य, ये अलबेलापन और आलस्य राय लालस्य हो जाएगा। तो हो जाएगा, बन ही जाएंगे, पहुंच ही जाएंगे। और अलबेलापन है, कर तो रहे हैं, तो होना ही होता है, तो करना ही है। तो ऐसे कहने वालों का करने में जरूर अंतर पड़ जाता है। बाप दादा एक दृश्य देख करके मुस्कराता रहता है। बच्चे क्या कहते हैं? ये हो जाएगा ना? लेकिन यह हो जावे, यह कर लो तो बहुत अच्छा, अथवा यह कर ले तो मैं भी आगे बढ़ जाऊंगा, दूसरे को बदलने की वृत्ति रहती है। लेकिन स्वपरिवर्तन की वृत्ति कहाँ कहाँ कम हो जाती है। तो अभी दूसरे को देखने की ये वृत्ति चेंज करो। साकार में कितनी बार बताया होगा, परचिंतन पतन की जड़ है। अगर देखना है तो दूसरों की विशेषताएं देखो। तो होता ही है, ये तो चलता ही है, और ये भी तो सब करते ही हैं। ये भावना कम करो, अपने को देखो और अपने बाप को सामने रखो। बाकी तो कोई भी हो, चाहे महारथी हो, चाहे बीच वाला हो,
पुरुषार्थ में कोई न कोई कमी तो परिवर्तन कर ही रहे हैं। इसलिए सी फादर, सिर्फ सी फादर नहीं, डबल फादर। कौन कौन से डबल फादर? साकार बाप, व्यक्त रूप वाला बाप और अव्यक्त बाप। तो दोनों को देखो, ब्रह्मा को भी देखो, उसको कहते हैं ब्रह्मा बाप, और शिव बाप को भी देखो। जब बाप ने आपको अपने दिशलक्ष पर बिठाया है और आपने भी अपने दिल तक पर बाप को बिठाया है, तो आपका स्लोगन है सी फादर, श्री सी ब्रदर्स और सी सिस्टर्स। भाइयों को देखो, बहनों को देखो, ये स्लोगन नहीं है, क्योंकि कुछ न कुछ कमी सब में रही हुई है। अगर दूसरों को देखना ही है, सिस्टर्स और ब्रदर्स को देखना ही है, तो उनकी विशेषताएं देखो, जो कमी वो निकाल रहे हैं, उन कमियों को मत देखो। हर एक पुरुषार्थी बच्चा अपनी कमियों को निकालना चाहता है, कचरा है ना, तो कचरे को क्यों देखते हो? दूसरी बात, अपने राज्य में याद है ना अपना राज्य, क्योंकि कल तो आपका राज्य था ही और कल फिर होने वाला है। आपकी बुद्धि में, नैनों में अपना राज्य स्पष्ट आ गया है, और ये भी बुद्धि में आया है कि हमने ये राज्य कितनी बार किया है, अनगिनत बार ये राज्य किया है, अनेक बार राज्य किया है। तो कहने से ही सामना आ जाता है अपना राज्य अधिकारी रूप और शेष राज्य। तो जैसे अपने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर स्वतः ही चलता है, खींच खींच के चलाना नहीं पड़ता, क्योंकि सब बच्चे नॉलेजफुल संस्कार वाले हैं, जानते हैं कि लॉ क्या है और ऑर्डर क्या है। ऐसे अभी अपने जीवन में देखो कि बाप के ऑर्डर में चलते हो, या कभी कभी माया का भी ऑर्डर चल जाता है। माया का ऑर्डर माना कभी परमत, कभी मनमत। श्रीमत के सिवाय दूसरों की मत पर तो नहीं चलते हो, और ला क्या है? ला है बेफिकर बादशाह, कोई फिकर नहीं, क्योंकि सर्व प्राप्तियां हैं ब्राह्मण जीवन के खजाने में। तो ऐसे ही चेक करो, संगम के शेष जन्म में भी सर्व प्राप्तियां हैं,
जो बाप दादा ने दिए हैं, ये भगवान का जैसे प्रसाद होता है ना, तो प्रसाद का कितना महत्व रखते हैं। तो ब्राह्मण जीवन में जो बाप की प्राप्तियां हैं, वो प्रभु प्रसाद प्राप्त है, उस प्रभु प्रसाद का भी महत्व है, वो वर्षा भी है और आपका अधिकार भी है। तो चेक करो कि प्रसाद अर्थात प्रसन्नता ब्राह्मण जीवन में कितने परसेंटेज में आई है। नहीं तो सिर्फ कहना हो जाता है। हम गॉड फादर के बच्चे हैं तो गॉड फादर का अधिकार प्राप्त है। गॉड फादर का वर्षा प्राप्त है, हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। तो अपने को हेवन में अनुभव करते हो, नरक की अनुभूति तो नहीं होती है। प्रश्न तो उठता है ना, किसके बच्चे हैं? हेवनली गॉड फादर के बच्चे हैं, तो फिर हेवन में होना चाहिए या नरक में होना चाहिए? अरबपति करोड़पति का बच्चा हो और पैसे पैसे के लिए गलियों में मोहताज मारा मारा फिरता हो, उसको अरबपति करोड़पति का बच्चा कहेंगे? तो इस प्रसाद से, अपनी खुशी से अपने जीवन में चेक करो कि लॉ और आर्डर दोनों में संपन्न है। पंद्रह दिसंबर 2008 की वाणी का तीसरा पेज। बाप दादा देख रहे थे कि एक बात की मेजॉरिटी को समय पर जो शक्ति मिली है परिवर्तन करने की, वो परिवर्तन शक्ति समय पर कार्य में लगाएं तो कोई मेहनत अनुभव नहीं होगी। देखो सभी को अनुभव है कि अगर कभी भी किसी भी प्रकार की हार होती है, माया से हार तो होती है ना, तो सभी भाषण में कहते हो, क्लास भी कराते हो, तो यही कहते हो कि दो शब्द गिराने वाले भी हैं और दो शब्द वो चढ़ाने वाले भी हैं। वो दो शब्द जानते हैं, सबके मन में आ गए हैं, वो दो शब्द हैं मेरा, भाषण में कहते हो ना, क्लास भी कराते हो, बाप दादा भी आपका क्लास सुनते हैं, क्या कहते हैं? अभी इन दो शब्दों को परिवर्तन शक्ति द्वारा जब भी मैं और मेरा शब्द बोलो तो मैं फलानी या फलाना या ब्राह्मण हूँ, लेकिन पूछो मैं कौन हूँ जो बाप दादा ने सम्मान दिए हैं कि जब भी मैं शब्द बोलो
तो कोई न कोई प्रमाण साथ में बोलो, यानी वो समान का शब्द बुद्धि मिलाओ। मैं शब्द बोला और मैं बोलने के साथ ही साथ मेरा समान याद आ जाए, मेरा शब्द बोला और मेरा कौन है, स्लोगन क्या है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो मेरा बोलने के साथ ही साथ बाबा याद आए, और कोई भी व्यक्ति याद ना आए, कोई भी संबंधी याद ना आए मेरा, कोई भी पदार्थ याद ना आए मेरा, मेरा शब्द बोला और सिर्फ बाबा याद आ जाए, मेरा बाबा। ये नेचुरल स्मृति हो, अगर इस बात का परिवर्तन कर लो तो पुरुषार्थ में बस हो जाएगी। और दूसरी बात, बहुत करके जब संबंध संपर्क में आते हो तो दो शब्द माया के द्वारा आते हैं, एक भाव और दूसरी भावना। तो जब भी भाव शब्द बोलते हो, सोचते हो, आत्मिक भाव शब्द बोलते ही आत्मिक भाव पहले याद आ जावे, और भावना बोलो तो सो भावना याद आए। शब्द का अर्थ परिवर्तन कर लो, क्योंकि आपका टाइटल क्या है, आपका टाइटल है विश्व परिवर्तक। विश्व परिवर्तक ब्राह्मण हो ना, असल प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हो ना, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट के कुल के तो नहीं हो ना, इस्लामी बौद्ध या क्रिश्चियन जिनको अपना बाप तो याद रहता है, परंतु वो अपने को विश्व परिवर्तक नहीं कह सकते, उन्होंने कभी विश्व को परिवर्तन किया ही नहीं। और तुम तो विश्व परिवर्तक बाप के बच्चे हो। विश्व परिवर्तक क्या, क्या हो, अपने को परिवर्तन नहीं कर सकते हो, तो समय पर परिवर्तन शक्ति को यूज करके देखो। पीछे आता है, जब बीत जाता है और मन को अच्छा नहीं लगता है, खुद ही अपना मन सोचता है, लेकिन समय तो बीत जाता है ना, इसलिए अभी पुरुषार्थ में तीव्र गति की आवश्यकता है। कभी कभी नहीं, ऐसे नहीं सोचो, समय तो बहुत ठीक है, ज्यादा है, पड़ा है, लेकिन बाप दादा ने सुना दिया है कि अभी अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि आगे चल के बहुत जल्दी ही अचानक के खेल होंगे।
कई बच्चे बाप को भी बहुत मीठी मीठी बातें सुनाते हैं, कहते हैं समय थोड़ा है और अति में तो जाएगा ना, तो वैरागी भी तो होगा। तो जब वैराग आएगा तो आप ही हमारी रफ्तार तेज हो जाएगी। लेकिन बाप दादा ने कह दिया है कि बहुत समय का पुरुषार्थ चाहिए, अगर थोड़े समय का पुरुषार्थ होगा तो प्रारब्ध भी थोड़े समय की मिलेगी, पूरे 21 जन्म की प्रारब्ध नहीं मिलेगी। तीन शब्द बाप दादा के सदा याद रखो, एक अचानक, दूसरा एवर रेडी, और तीसरा बहुत काल का पुरुषार्थ। ये तीनों शब्द सदा बुद्धि में रखो। कब और कहाँ थी, ये कब और कहाँ भी किसी भी अंतिम काल का हो सकता है। अभी अभी देखो कि परिवार में से कितने ब्राह्मण जा रहे हैं, उन्हों को अपने जाने का पता था क्या? इसीलिए बहुत काल के पुरुषार्थ से फुल 21 जन्म का वर्षा प्राप्त करना है, ये तीव्र पुरुषार्थ स्मृति में रखो। फर्स्ट नंबर, फर्स्ट जन्म अपने राज्य में हो तो क्या सोचा है, फर्स्ट जन्म में आना है ना। जो दूसरे जन्म में आवेंगे तो 21 जन्म का फुल नहीं प्राप्त होगा, 20 जन्म की ही प्राप्ति होगी, और भी 2-4 जन्म अगर बाद में आए तो उतना ही कम हो जाएगा। तो फर्स्ट जन्म में आना है ना, मजा किस में होगा? फर्स्ट जन्म में मजा होगा जो डायरेक्ट बाप से प्राप्त होता है, या कोई भी जन्म में प्राप्त हो जाए, जो समझता है कि अपने राज्य के फर्स्ट जन्म में श्री कृष्ण के साथ साथ हमारा भी पार्ट हो, वो हाथ उठाओ। और श्री कृष्ण वो नहीं जो सतयुग में जन्म लेगा, उसका शास्त्रों में भक्ति मार्ग में कोई गाइन नहीं है। कृष्ण भी कौन सा, जो संगम युग में प्राप्ति करता है। तो हाथ उठाओ। अच्छा, फर्स्ट पार्ट में आ देंगे, इतने हाथ उठाए दिए, हाथ देख करके तो खुश हो गए, ताली बजाओ। लेकिन फर्स्ट जन्म में आओ उसकी मुबारक है, लेकिन कहें क्या, नहीं कहें, आना ही है फर्स्ट, तो फिर दूसरी बात क्यों कहें। अच्छा है, जितने भी आए हैं उन सबको फर्स्ट जन्म में आना है,
क्योंकि ताली तो बजा दी फर्स्ट जन्म और फर्स्ट स्टेज, तो फर्स्ट स्टेज बनानी ही है। जिसका दृढ़ संकल्प है तो फास्ट जाना ही है, चाहे कुछ भी विघ्न आ जाए, लेकिन वो विघ्न विघ्न न रहे, क्योंकि विघ्न विनाशक के आगे विजय का रूप बदल जाता है। आप तभी विघ्न विनाशक हो, आपका टाइटल है ना विघ्न विनाशक, तो विघ्न आवे भी तो खेल खेलने के लिए आवे, लेकिन उस विघ्न को आप पहले से ही जान जाओ। रायल रूप में आवेगा, लेकिन आप विघ्न विनाशक दूर से ही जान जावेंगे। ये क्या खेल हो रहा है? इसलिए बाप दादा भी यही चाहते हैं कि सब बच्चे बाप दादा के साथ चलें, पीछे नहीं रह जाएं। बाप दादा को बच्चों के बिना मजा नहीं आता है। तो दृढ़ता को कभी भी कमजोर नहीं करना, करना ही है, करेंगे हो जाएगा, ऐसे गेंगे नहीं करना, करके देखेंगे, देख लेना, ऐसी बातें नहीं करना। आपकी दृढ़ता सफलता की चाबी है, इस चाबी को कभी भी गंवाना नहीं। माया बहुत चतुर है, वो कहां से भी चाबी को ढूंढ लेती है। इसलिए इस दृढ़ता की चाबी को संभाल के रखना। कौन सी चाबी है? दृढ़ता की। अभी चेक करना कि अपने राज्य के संस्कार अभी से धारण करने हैं, गेंगे नहीं करना। एक गेंगे और दूसरा कहते हो, वो शब्द ब्राह्मण डिक्शनरी से निकाल दो। 15 दिसंबर 2008 की वाणी का चौथा पेज। चलो, कोई भी कमजोरी देखते भी हो, क्योंकि पुरुषार्थ ही तो सब है। अगर पुरुषार्थ ही नहीं है तो ब्राह्मण जीवन से चले जाते हैं। पुरुषार्थ ही है तो ब्राह्मण जीवन में चल रहे हैं। मानो कई ऐसे कहते हैं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन ऐसा दूसरे करते हैं। तो जब दूसरे करते हैं तो हमारे सामने विघ्न आ जाता है। अगर ये नहीं करे, वो अपने को बदल ले, लेकिन आपने तो स्लोगन दिया है ना, हमको बदल के उनको बदलना है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा, तो मुझे बदलना है। वो बदले तो मैं बदलूं, नहीं तो सुनाया, भाव और भावना को चेंज करो। आत्मिक भाव हो और भावना भी शुभ हो, आप करके देखो।
थक नहीं जाओ। तो भावना बहुत करके देखी, वो तो बदलता ही नहीं है, बदलना ही नहीं है। तो ये शो भावना हुई क्या? आप ब्राह्मणों के मुख से ये शब्द बोलना, ये तो बदलना ही नहीं है, तो ये वरसाप अभिशाप हुआ या वरदान हुआ? ये तो ब्राह्मणों के मुख से अभिशाप निकल गया। ब्राह्मण क्या वरदान देते हैं? जो सहारा दे सको सहारा दो, सो भावना का सहारा दो। अगर सो भावना भी नहीं दे सकते हो तो किनारा कर लो, दिल में नहीं रखो, सो भावना की दुआएं दो और कोई भी दूसरे शब्द नहीं दो। एक यह करते हैं और दूसरा शब्द बताएं क्या कहते हैं? क्योंकि आज बाप दादा ने अच्छी तरह से चेकिंग की है। दूसरा कहते हैं ये तो चलता ही है, ये भी तो करता है ना, तो मैंने किया तो क्या बुरा हुआ? अरे वो कुएं में गिर रहा है तो आप भी गिर करके देख रहे हो क्या? ये कोई समझदारी की बात है? अभी एक बात, 18 जनवरी तक बाप दादा पुरुषार्थ के लिए होमवर्क दे रहा है, वो बात करेंगे? हाथ उठाओ, कुछ भी हो जाए, बदलना पड़े, समाना पड़े, किनारा करना पड़े, लेकिन हम बदलेंगे जरूर। हाथ उठाया ना? पक्का? या कि कहेंगे कि हमने तो बहुत कोशिश की, नहीं हुआ? ये जवाब नहीं दे देना, क्योंकि अभी अचानक के खेल बहुत होने हैं और बाप दादा चाहता है कि एक बच्चा भी पीछे नहीं रह जाए, साथ साथ चले। इसलिए एक तो अगर कोई नहीं बदलता है, आपने स्वभावना रखी और कोई नहीं बदलता है तो आप अपने को बदल दो। उसने ये कहा, उसने ये किया, इसलिए मुझे करना पड़ा, ये बात नहीं होनी चाहिए। करते हो सिखाने के भाव से, लेकिन देखते कमी की बात हो। ये भाव और भावना, आत्मिक भाव और स्वभावना, और ये शब्द, ये तो होता ही रहता है, ये तो करते ही रहते हैं, चल ही रहा है, तो मैंने किया तो क्या हुआ? तो क्या आप जब चलेंगे अथवा यूं समझो कि बाप जब चलेंगे तो आप कहेंगे ये भी चल रहे हैं ना, बाप चल रहे हैं, मैं रह जाता हूं तो क्या, इसमें क्या है? तो सी फादर, भाव और भावना दोनों का परिवर्तन। जब पांच तत्वों के प्रति आप स्वभावना रखते हो, वो तो जड़ तत्व हैं और आप तो चैतन्य आत्मा हो,
तो ब्राह्मण परिवार के प्रति सुभावना नहीं रख सकते? ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है। अभी ये शब्द समाप्त करो, मुझे बदल करके दिखाना है। मैं बदलूंगा और भी बदल जा देंगे। मैं का बदलना सबको अवश्य बदल देगा। निश्चय और स्वभावना में चलो, फिर देखो जल्दी जल्दी अपना राज्य आ जाएगा। तो ये 18 तारीख को दो बातें सदा के लिए धारण कर लो। ये बाप दादा नहीं कहता है कि लिख करके सिर्फ भेजो, प्रतिज्ञा के फाइल लिखत वाले बाप दादा के पास बहुत फाइल पड़े हैं। प्रतिज्ञा नहीं, दृढ़ता का संकल्प के रूप में ये दो बातें धारण करनी है। टीचर्स ये बातें ठीक है ना, पूरी करनी है ना? अच्छा, माताएं हाथ उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ, पांडव भी हाथ उठाओ। पांडव भी हाथ उठाए रहे, ठीक है। बाप दादा तो रोज ही देखता रहेगा और बाप दादा को देखने में देरी नहीं लगती है। अच्छा, टीचर्स जो भी आई है, मुरली तो सबके पास जाएगी। ऐसे नहीं सिर्फ जो आए हो उनके लिए ही है। देश विदेश दोनों बच्चों, सब बच्चों के प्रति मुरली है। अभी बहुत आप लोगों का काम बढ़ना है। ये नहीं सेवा कर ली, भाषण कर ली, वर्ग को चला लिया, नहीं, बहुत सेवा रही हुई। अभी तो मनसा द्वारा सकाश देने का काम करना है। ये शुरू शुरू में शिव बाप ब्रह्मा में प्रवेश हुआ तो घर बैठे बैठा एक ऐसे सकाश दी, किसको साक्षात्कार हुआ, किसको आवाज आया, फलाने स्थान पर जाओ, किसी प्रेरणा आई सुन करके कि मुझे जाना है, तो वो भी बात करके आ गई। और जो शुरू में आए वो कितने पक्के हैं, याद करते हो ना? दादी को याद करते हो ना? दूसरी दादियों को भी याद करते हो ना? तो जो शुरू में हुआ वो अभी अंत में भी रिपीट होना है। वो मंग वो सारा रिपीट होना है। इसलिए अपनी मनसा शक्ति को, मनसा सेवा को बढ़ाओ। उस समय आपका भाषण कोई नहीं सुनेगा, कोर्स भी कोई नहीं कराएगा, क्योंकि हालतें बहुत गंभीर हो जाएंगी। सबको मनसा सेवा करने की सकाश देनी पड़ेगी। इसलिए अभी अभ्यास करो। सिर्फ अमृत वेले नहीं, भले कर्म कर रहे हो लेकिन बीच बीच में माइंड को कंट्रोल करके सब तरफ से एकाग्र होकर के सकाश दे सकता हूँ।
दे सकता हूँ या नहीं, ये भी ट्रायल करो। बहुत आवश्यकता होगी। आखिरी दुख करता सुख करता आपके ही चित्र तो बनते हैं ना, तो क्या भक्ति मार्ग में जड़ चित्र ही बनेंगे? चैतन्य चित्र नहीं बनेंगे क्या? तो अंतर्मुखी होकर के बीच बीच में 5 मिनट निकालो, सिर्फ अमृत बेला नहीं हो, सारा दिन ये पुरुषार्थ चाहिए, दिन रात का अभ्यास चाहिए। रात को आंख खुलती है, ट्रायल करो, फिर जाकर के भले सो जाओ, लेकिन थोड़ा टाइम ट्रायल करो। और काम के लिए भी तोड़ते हो ना, तो यह अभ्यास भी करो, तब ही आपकी पूजा होगी। अगर नहीं करेंगे तो आपकी पूजा भी नाम मात्र होगी, फिर आपके बड़े बड़े मंदिर नहीं बनेंगे, चालू मंदिर बनेंगे। भक्ति मार्ग में देखा तो है ना, कोई की छोटी मूर्ति बनती है, छोटा मंदिर बनता है, कोई के बड़े बड़े भव्य मंदिर बनते हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाते हैं। सुना? अच्छा, ओम शांति।